गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अगेन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डीएक्स। सो हेयर फंक्शन is in the form of a plus b ka whole cube, and we know that a plus b ka whole cube kya hota hai, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3b square a, and here a ki jagah pe kya hai mera x square and b ki jagah pe kya hai 1 by x square, that is एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यू, दैट इज एक्स स्क्वायर का होल क्यू प्लस वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का होल क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, दैट इज थ्री ए स्क्वायर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड बी कितना है वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। सिमिलरली थ्री बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए, ए कितना है एक्स स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू पावर सिक्स प्लस वन डिवाइडेड एक्स टू पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स टू पावर फोर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स टू पावर फोर। नाउ अगेन सॉल्व करेंगे तो एक्स टू पावर सिक्स प्लस एक्स टू पावर माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, दैट इज लिख सकते हैं एक्स पावर सिक्स प्लस एक्स पावर माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। सो इस तरह से मेरा जो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का होल क्यू का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गया। नाउ अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, दैट इज आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स सिक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डी एक्स। नाउ यूजिंग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस, यहाँ पे हम लोग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस, जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में सारे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को बताया था, सो इसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स टू पावर सिक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू पावर माइनस सिक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री एक्स टू पावर माइनस टू डी एक्स। नाउ यहां से हम लोग क्या होगा, जो मेरा कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन में, वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, दैट इज वी कैन रिटर्न एज एक्स टू पावर सिक्स डी एक्स प्लस एक्स पावर माइनस सिक्स डी एक्स प्लस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस टू डी एक्स अकॉर्डिंग टू पावर रूल, दैट इज पावर रूल। पावर रूल मेरे पास क्या है, एक्स टू पावर एन का डी एक्स, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा मेरा एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एन प्लस वन। नाउ सो बाय यूजिंग दिस रूल वी गेट आई इक्वल टू एक्स टू पावर सिक्स प्लस वन डिवाइडेड सिक्स प्लस वन, चूंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एन प्लस वन। नाउ एक्स टू पावर माइनस सिक्स प्लस वन डिवाइडेड माइनस सिक्स प्लस वन, सिमिलरली थ्री इंटू एक्स टू पावर टू प्लस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर था दैट इज टू प्लस वन डिवाइडेड टू प्लस वन। नाउ थ्री इंटू एक्स पावर माइनस टू था सो एक्स पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड माइनस टू प्लस वन प्लस सी, इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट हम लोग सी को ऐड करते हैं, सो दैट जो वैल्यू आएगा कितना आ रहा है एक्स टू पावर सेवन डिवाइडेड सेवन प्लस एक्स टू पावर माइनस फाइव माइनस डिवाइडेड माइनस फाइव प्लस थ्री बाय थ्री एक्स टू पावर होल क्यू प्लस
3 divided minus 1 into its power minus 1 plus c. That is, ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा, x to the power 7 divided 7 minus 1 divided x to the power 5. ऊपर में था minus 5 तो नीचे हो गया तो कितना आ गया plus 5. 3 कैंसिल हो गया, that is ये हो गया मेरा x cube minus 3 divided x. x to the power minus 1 तो base में गया तो कितना हो जाएगा plus 1 plus c. So ये जो आ गया वो मेरा final answer हुआ. Now next question is I equal to x cube plus 4x square minus 3x minus 2 divided x plus 2 dx. So इस तरह के numericals में हम लोग ऊपर वाले डाटा को, that is कह सकते हैं कि numerator को denominator से हम लोग divide करते हैं ताकि जो मेरा integration है वो easily find out हो सके. So that on dividing x plus 2, that is x plus 2 से इसको divide करेंगे तो क्या find out होता है इसको हम लोग देखते हैं. That is यहाँ पे divide करेंगे x plus 2 से, इसको divide करेंगे x cube plus 4x square minus 3x minus 2. अगर हम इसको x square से गुना कर दें, that is x square यहाँ पे क्या आ जाएगा, x cube plus कितना जाएगा x 2x square, x cube plus 2x square. And dividing में हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, so अगर यहाँ plus है तो ये minus हो जाएगा और ये plus है तो ये minus हो जाएगा, that is x cube cancel out हो जाएगा, so that 4x square minus 2x square, that is यहाँ से हो गया 2x square minus 3x minus 2, मैंने यहाँ से इसको ले लिया. Now अगेन इसको हम 2x से डिवाइड करेंगे, दैट इज इसमें हम 2x से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, एंड इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 3x माइनस 4x दैट इज माइनस 7x माइनस 2. नाउ अगेन हमको यहां पर माइनस 7 चाहिए, सो दैट इसको हम लोग माइनस 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 7, दैट इज यहां पे आ जाएगा माइनस 7x माइनस 14, एंड इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और ये प्लस दिस वन कैंसिल एंड माइनस 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा 12. दैट इज मेरा जो शेषफल आया, दैट इज शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर, दैट इज मेरा जो रिमाइंडर आया वो 12 आया, एंड कोसेंट जो आया वो कितना आया x square plus 2x minus 7, and मेरा divisor जो था कितना है x plus 2, and मेरा dividend जो था x cube plus 4 square minus 3x minus 2. So friends इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो. अगर हम easily इसको explain करना चाहें तो हम इस तरह समझा सकते हैं कि मान लिया कि मैंने 18 को 5 से divide किया तो क्या होगा, 5 3 15, that is ये जो आ गया मेरा वो 3 आ गया. that is हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 equal to 5 into 3 plus 3, so that ये 5 3 15 plus 3 18 ये हो जाएगा. so that यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास formula हो गया कि dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So, इसी फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे, दैट इज यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x cube plus 4x square minus 3x minus 2 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर मेरा क्या है x plus 2, डिवाइजर क्या है x plus 2 इंटू कोसेंट, कोसेंट मेरा क्या है आप देख सकते हो कोसेंट क्या है, जैसे भागफल क्या है x square प्लस 2x माइनस 7, दैट इज क्या हो गया ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस शेषफल दैट इज रिमाइंडर क्या है 12. दैट इज मैंने बेसिक्स फॉर्मूले डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज कह सकते हैं कि भाज्य
इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल फॉर्मूले का यूज किया, सो दैट इसको हम लोग इस तरह से इस फॉर्म में लिख पाए. सो इस इक्वेशंस को या कह सकते हैं कि ये जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया इसको हम लोग अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देते हैं. दैट इज मेरा यहां से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू यहां से लिख सकते हो एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड, मेरा बेस में कितना था आप यहां देख सकते हो एक्स प्लस टू, सो दैट यहां पे मैंने लिख दिया एक्स प्लस टू. नाउ अगर हम लोग इसको पूरे एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन को ए माने और इसको बी माने तो कितना हो जाएगा ए डिवाइडेड एक्स प्लस टू प्लस बी डिवाइडेड एक्स प्लस टू. दैट इज आई इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड एक्स प्लस टू प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड एक्स प्लस टू और ये पूरा जो होगा वो ब्रैकेट में हो जाएगा एंड dx. सो दैट अगर हम इस पोर्शन को देखें तो यहां पे एक्स प्लस टू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मेरा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड एक्स प्लस टू और ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा dx. दैट इज हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ट्वेल्व डिवाइडेड एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स. नाउ अगेन हम यहां से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ट्वेल्व डिवाइडेड एक्स प्लस टू डी एक्स. नाउ अगेन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस टू, टू कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस सेवन कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा डी एक्स प्लस ट्वेल्व कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा ट्वेल्व वन डिवाइडेड एक्स प्लस टू डी एक्स. नाउ बाय यूजिंग पावर रूल, मेरे पास पावर रूल है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. दैट इज पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एन प्लस वन, सो दैट हम लोग इस पावर रूल का यूज इस इक्वेशंस में करेंगे. सो दैट यहां से मेरा इक्वेशन जो आएगा कितना आएगा एक्स टू पावर टू प्लस वन डिवाइडेड टू प्लस वन प्लस टू, यहाँ पे एक्स पावर वन है सो दैट एक्स पावर वन प्लस वन डिवाइडेड वन प्लस वन माइनस एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस ट्वेल्व इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स. सो दैट इस तरह से मैंने पावर रूल का यूज करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया. सो दैट यहां से क्या हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब डिवाइडेड थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड टू माइनस सेवन एक्स. एंड फ्रेंड्स वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स दैट इज वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, सो दैट वन डिवाइडेड एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी. नाउ फाइनल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है I इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व लॉग एक्स प्लस टू प्लस एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे C. सो दैट ये जो मेरा होगा वो फाइनल आंसर होगा दैट इज I इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी जो होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई इक्वल टू एक्स फोर प्लस वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. सो हियर ऑन डिवाइडिंग एक्स फोर प्लस वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन
बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स फोर प्लस वन में डिवाइड करेंगे। दैट इज अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स फोर प्लस वन दैट इज एक्स पावर फोर प्लस वन को डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, हमको x4 चाहिए सो दैट इससे हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x स्क्वायर दैट इज x4 प्लस x स्क्वायर एंड इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 1 माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 1 से इसको करेंगे क्या आएगा, माइनस 1 माइनस x स्क्वायर दैट इज माइनस 1 माइनस x स्क्वायर एंड इसको वापस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने में मेरा साइन जो होता है वो चेंज कर जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस, सो दैट ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा एंड ये वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। दैट इज मेरा यहाँ पे रिमाइंडर जो बच रहा है वो टू बच रहा है एंड कोसेंट जो मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड डिवाइजर क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डिवाइडेंड क्या था मेरा एक्स टू द पावर फोर प्लस वन। सो दैट इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज एक्स टू द पावर फोर प्लस वन को किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर दैट इज भाजी इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, सो दैट एक्स फोर प्लस वन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं दैट इज आई इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अगर इसको हम पूरे वैल्यू को ए कंसिडर कर ले एंड इसको बी कंसिडर कर ले तो क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस बी डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस सॉरी प्लस टू डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इसको चाहे तो हम ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट सो दैट यहां से मेरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट के अंदर इंटू डी एक्स। सो दैट अब हम इसको बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम लोग अलग अलग लिख देते हैं दैट इज क्या हो जाएगा यहां से मेरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स एंड बाय यूजिंग पावर रूल यहां पे अगर हम पावर रूल का यूज करेंगे एंड पावर रूल फ्रेंड्स आपको तो याद ही हो गया होगा क्या होता है एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एन प्लस वन। सो इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करते हैं इस इक्वेशन में दैट इज आई इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा एक्स टू पावर टू प्लस वन डिवाइडेड टू प्लस वन। नाउ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स मैंने बताया पहले एंड हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए वन डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स। सो दैट यहां से लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो कितना था डी एक्स था एंड प्लस टू डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन था, सो डी एक्स का एक्स हो गया एंड टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया एंड वन डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स
we know that sec square x minus tan square x equal to 1. And here, यहां से अगर हम लोग tan square x को find out करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec square x minus 1. ऐसा इसलिए क्योंकि direct tan square x के integration का मेरे पास formula नहीं है. But sec square x का integration का मेरे पास formula है. That is, हम लोग जानते हैं कि sec square x ds का जो integration का formula होता है वो क्या होता है? tan x. Since differentiation of tan x जो होता है वो कितना होता है? sec square x होता है. So that integration of sec square x ds क्या हो जाएगा? tan x. That is, I equal to यहां से लिख सकते हैं sec square x minus 1 dx. And by rules of integration, sec square x dx minus dx. And sec square x का integration क्या है? tan x. And 1 का integration क्या होता है? x. And a constant c. That is, I जो हो गया, integration जो हो गया, मेरा final क्या हो गया? tan x minus x plus c. और ये जो हो गया, वो मेरा final answer हो गया. Now, next question is cot square x dx. From basis हम लोग जानते हैं cosec square x minus cot square x equal to 1. इसलिए यहां से cot square x क्या हो जाएगा मेरा? cosec square x minus 1. यहां पर भी similar, क्योंकि मेरे पास direct cot square x का कोई formula नहीं है integration का, so that इसको मैंने cosec square x में convert कर दिया. And we know that differentiation of cot x का definition क्या होता है? minus cosec square x. So that यहां से अगर हम cosec square x dx का integration find out करेंगे, क्या हो जाएगा? minus cot x. That is, ये value को इस equation में put कर देंगे, that is क्या हो जाएगा? cosec square x minus 1 into dx. Now, rules of integration use करेंगे, that is cosec square x dx minus dx. And cosec square x का integration क्या होता है? minus cot x. And 1 का integration क्या होता है? x plus a constant c. So that मेरा final answer जो होगा वो minus cot x minus x plus c. That is required answer यहाँ पे हमको मिल गया. So friends, I hope आपको आज का video पसंद आया हो. So thank you so much for watching this video. Thank you.